खबर जबलपुर से है, जहां घर में अकेली बेसहारा बुजुर्ग महिला का सहारा पुलिस बनी। गढ़ा थाना के अंतर्गत बदनपुर में 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला के पैर फिसलने से वो घायल हो गई थी। पैर में चोट लगने के कारण महिला चल सकने में भी असमर्थ थी। वहीं पड़ोसियों ने एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से फोन कर वृद्धा की मदद करने की गुहार लगाई, जहां एसपी ने तत्काल गढ़ा थाने के स्टाफ को वृद्धा को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए निर्देश दिए। प्रधान आरक्षक पुरुषोत्तम हिरवार, बिहारी लाल आरक्षक आशीष और राहुल पुलिसकर्मी खुद महिला को घर से मेडिकल अस्पताल लेकर पहुँचाया। थाना प्रभारी राकेश तिवारी ने वृद्धा को अस्पताल में भर्ती करवा कर उनका इलाज भी शुरू करवाया। जबलपुर से सुनील सेन की रिपोर्ट। इधर से दोनों से तो पकड़ो। संजय खड़ा, बारा खड़ा। दे दो। की बच्ची पड़ी। पुलिस एक महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाँ, ये लगभग 12 बजे के आसपास पुलिस अधीक्षक महोदय का मुझे फ़ोन आया कि उनको किसी शक्तिनगर बदनपुर की किसी महिला ने फ़ोन किया कि पड़ोस में उनके कोई बुज़ुर्ग माता जी हैं, वो 2-3 दिन पहले गिर गई हैं, उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रहा है और उठ आ नहीं पाए, तो उनको जाके हमारे स्टाफ को हमने भेज के प्राइवेट एम्बुलेंस से उनको अभी मेडिकल कॉलेज में इलाज हेतु लेके आए हैं। और उनका लड़का जो है मजदूरी वगैरह करते हैं और वो काफ़ी दुबली पतली है माता जी, तो अभी उनके इलाज के लिए उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर रहे हैं। राजवाटिका विवाह घर, सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।